हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। क्या आप जानते हैं लोकतंत्र के महाकुंभ में वोट देने के बाद आपकी उंगली पर जो इंक लगाई जाती है वो किस जगह बनती है? भारत का पहला स्काई व्हील किस जगह बनाया गया था? हम आज बात करने वाले हैं उस जगह के बारे में जहां पर पहला फर्स्ट मेटल सिलेंडर और आयरन कैस्ड रॉकेट तोपखाने बनाए गए थे। एक ऐसा शहर है जहां से भारत में शुरुआत हुई थी मॉडर्न एजुकेशन की। हम आज जिस शहर की बात कर रहे हैं उसे चंदन का शहर, महलों का शहर और गार्डन सिटी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। और ये शहर जाना जाता है अपने कल्चर, इतिहास और वाइल्ड लाइफ के लिए। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक इस शहर में घूमने के लिए आते हैं और न सिर्फ साउथ इंडिया में बल्कि पूरे भारत में इस शहर की एक अलग पहचान है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे मॉडर्न शहर में से एक मैसूर शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं भारत के ऐतिहासिक शहर मैसूर की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि मैसूर कर्नाटक का एक शहर है। आज मैसूर शहर की कुल जनसंख्या 12.5 लाख के आसपास है। वहीं पूरे मैसूर जिले की बात करें तो इसकी जनसंख्या 30 लाख से भी ज्यादा है। यहाँ 87% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तो वहीं 10% आबादी के साथ इस्लाम यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। 1.3% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले भी है यहाँ पर। एक ऐसा शहर है ये जिसका नाम राक्षस के नाम पर रखा गया। दरअसल ये नाम महिषासुर नाम के एक राक्षस के नाम पर रखा गया। कहा जाता है कि देवी चामुंडेश्वरी ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। बहुत कम लोग ये बात जानते है कि पहले कर्नाटक राज्य को मैसूर राज्य के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन सन 1973 में मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक रख दिया गया। आज मैसूर भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में गिना जाता है। इसे भारत की एक प्लैंड सिटी का दर्जा प्राप्त है और साथ ही देश के सबसे स्वच्छ और हरे भरे शहरों में भी मैसूर की गिनती होती है। अंग्रेजों ने इस शहर का नाम बदल कर मैसूरू कर दिया क्योंकि उन्हें कन्नड़ में इस शहर का नाम बोलने में काफी दिक्कत होती थी और आज ये शहर मैसूरू या मैसूर के नाम से जाना जाता है। ये कर्नाटक में बैंगलोर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है और आईटी सॉफ्टवेयर का एक बड़ा एक्सपोर्टर भी बनता जा रहा है। मैसूर में बोली जाने वाली सबसे प्रमुख भाषा कन्नड़ है। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश और मलयालम जैसी भाषाओं में भी लोग बातचीत करते हुए नजर आते हैं। मैसूर में भारत का दूसरा सबसे ऊंचा और एशिया का सबसे बड़ा चर्च मौजूद है। इसका नाम सेंट फिलोमिना कैथेड्रल है और मैसूर आने वाले पर्यटकों के बीच ये चर्च एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, मैसूर में चंदन और सिल्क का काम काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है। अक्सर अन्य राज्यों या विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ पर शॉपिंग के दौरान चंदन से बने साबुन, चंदन की अगरबत्ती जैसी चीजें जरूर खरीदते हैं और महिलाओं को यहाँ पर बनने वाली सिल्क की साड़ी अपनी ओर जरूर आकर्षित करती है। ये शहर चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ है। मैसूर शहर दिन के समय जितना खूबसूरत नजर आता है, रात के समय इसकी खूबसूरती उससे भी कई गुना बढ़ जाती है। पूरे शहर में हर जगह आपको चकाचौंध नजर आएंगी। सभी ऐतिहासिक इमारतों और महलों पर रात के समय रोशनी की जाती है। क्या आपको पता है कि मैसूर भारत का पहला शहर है जहां इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था? इस पूरे शहर में लगभग सभी जगह वाईफाई जोन बना हुआ है और ये दुनिया की दूसरी वाईफाई एनेबल्ड सिटी भी मानी जाती है। मैसूर रेलवे स्टेशन अपना पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। वहीं मैसूर पहला शहर था जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी व्यवस्था थी। भारत के एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाने और आगे ले जाने में मैसूर का काफी बड़ा योगदान रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर भारत का 6वां विश्वविद्यालय था, लेकिन भारतीय द्वारा संचालित किए जाने वाला ये भारत का पहला विश्वविद्यालय बना। कर्नाटक का पहला मेडिकल कॉलेज भी मैसूर में ही खोला गया था, जिसे मैसूर मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, सन 1881 में सिर्फ महिलाओं के लिए मैसूर में एक हाई स्कूल शुरू हुआ था, जिसे आज महारानी साइंस कॉलेज फॉर वुमेन्स के नाम से जाना जाता है। इस शहर में भारत के सबसे पुरानी लाइब्रेरीज में से एक लाइब्रेरी मौजूद है जिसका नाम ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस लाइब्रेरी की खास बात ये है कि यहाँ पर 50,000 से ज्यादा पाम स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाडिया डायनेस्टी भारत में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजवंश है। इस राजवंश की स्थापना सन 1399 में हुई थी और 500 सालों से भी ज्यादा समय तक इसने मैसूर में राज किया। आपने टाइगर ऑफ मैसूर का नाम तो सुना ही होगा। अंग्रेजों को धूल चटाने वाले टीपू सुल्तान को ही आज पूरी दुनिया मैसूर का टाइगर कहती है। टीपू सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे और सन 1782 में उन्होंने राजगद्दी संभाली। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान एक अत्याधुनिक रॉकेट का आविष्कार भी कराया, जिसे दुनिया का सबसे पहला रॉकेट भी माना जाता है। हालांकि उस रॉकेट का बाद में क्या हुआ ये बात कोई नहीं जानता। मैसूर अभिनेता विष्णु वर्धन, अभिनेता आरती, क्रिकेटर जवागल श्रीनाथ, लेखक यूआर अनंत मूर्ति आदि जैसे कई महान हस्तियों का घर है। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत बार किसी न किसी सरकार के लिए वोट किया होगा। आपको बता दें कि वोट डालने के बाद आपके हाथ की उंगली पर जो इंक लगाई जाती है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कई दशकों में मैसूर से की जा रही है। मैसूर के अलावा वो इंक भारत में और किसी जगह
जगह नहीं बनती। जहाँ कहीं भी चुनाव होते हैं, मैसूर से ही वो इंक स्पेशल ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। आज मैसूर भारत का एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग सिटी बन रहा है। एशियन पेंट्स का ज्यादातर उत्पादन इसी शहर में होता है। इसके अलावा कर्नाटक में बैंगलोर के बाद ये आईटी और सॉफ्टवेयर का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। धीरे धीरे इस शहर को भी आईटी हब के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इंफोसिस जैसे बड़ी कंपनी का कैंपस भी मैसूर में स्थित है और इस कंपनी के चेयरमैन नारायण मूर्ति जी का जन्म भी मैसूर शहर में हुआ था। इसके अलावा महान कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का जन्म भी मैसूर में हुआ था। मैसूर शहर अपने खाने के लिए भी प्रसिद्ध है। पूरे भारत में मशहूर मिठाई मैसूर पाक का आविष्कार मैसूर में ही हुआ और साउथ इंडिया की मशहूर फिल्टर कॉफी का आनंद आप यहां ले सकते हैं। यहां का इडली, डोसा, सांबर और बड़ा बहुत ही लाजवाब होता है। इसके अलावा बिरयानी, चुरमुरी, बोंदा, उत्तपम, पायसम जैसे अनेकों व्यंजन का स्वाद आपको यहां पर ले सकते हैं। मैसूर को बेंगलुरु की कल्चरल कैपिटल का दर्जा भी प्राप्त है। इस शहर में स्थित मैसूर पैलेस भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगह है। यहां पर कई त्योहार बेहद धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों, मैसूर शहर को अगर त्योहारों का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साल भर यहां कई त्योहार काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। दशहरा इस शहर का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कहा जाता है कि इसी दिन देवी चामुंडेश्वरी ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसके अलावा उगाड़ी त्योहार भी काफी लोग धूमधाम से मनाते हैं। वहीं यहां तलकाडू पंचलिंग दर्शन नाम का एक त्योहार मनाया जाता है जो 12 साल में एक ही बार आता है और इसे देखने के लिए मैसूर शहर में काफी भीड़ जमा हो जाती है। इसके अलावा वायरामुडी फेस्टिवल और ओपन स्ट्रीट फेस्टिवल जैसे त्योहार भी कर्नाटक में काफी धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। चलिए अब आपको मैसूर के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बता देते हैं। मैसूर का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र मैसूर पैलेस है। हमें आपको पहले ही बताया कि ये ताजमहल के बाद भारत में सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगह है। इसे अंबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये पैलेस वाडिया राजवंश का राजघराना हुआ करता था और इस पैलेस के अंदर हिंदू, इस्लामिक, राजपूत और गोथिक आर्किटेक्चर की झलक एक साथ देखी जा सकती है। असली मैसूर पैलेस का ज्यादातर हिस्सा लकड़ी का बना हुआ था और सन 1896 में आग लगने के कारण इस महल को काफी नुकसान पहुंचा। इसके बाद दोबारा इस महल को मरम्मत कराया गया और सन 1912 में ये महल दोबारा बनकर तैयार हुआ। आजादी के बाद इस महल को सरकार ने एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। ललिता महल मैसूर का दूसरा सबसे बड़ा महल है और इसका आर्किटेक्चर भी काफी प्रशंसनीय। अगर आपको मैसूर के इतिहास के बारे में और करीब से जानना है तो आप जगमोहन पैलेस भी घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ की आर्ट गैलरी में लगी मैसूर पेंटिंग्स पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। इसके अलावा चामुंडी हिल्स मैसूर के पास स्थित है। लगभग 1000 सीढ़ी पर चढ़कर इस पहाड़े की चोटी तक पहुँचा जाता है। यहाँ पर चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर और श्री नंदी मंदिर भी बना हुआ है। दोस्तों, चामुंडी हिल्स से पूरे मैसूर का एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। मैसूर चिड़ियाघर भारत का सबसे पुराना और तीसरा सबसे पुराना चिड़ियाघर माना जाता है। ये चिड़ियाघर 168 प्रजातियों का घर है। चिड़ियाघर को मूल रूप से महल चिड़ियाघर कहा जाता है और ये महाराजा श्री चामराजा वोडेयारी के ग्रीष्मकालीन महल के तौर पर बनाया गया। यहाँ पर आपको कई प्रकार के जानवर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बच्चों के साथ मैसूर घूमने जा रहे हैं तो इस जगह पर बच्चे काफी एंजॉय करेंगे। अगर आप वाइल्ड लाइफ देखने का शौक रखते हैं तो मैसूर से 70 किलोमीटर दूर बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा मैसूर में रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, यहाँ आप कई प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं। मैसूर में और कई ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ आकर आप खुद को प्रकृति के काफी नजदीक महसूस करेंगे। इनमें सबसे पहले नंबर पर है वृंदावन गार्डन्स। यहाँ पर आपको तरह तरह के फूल खिले हुए नजर आएंगे। गार्डन में शाम के समय यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट शो भी आयोजित किया जाता है। इस गार्डन में घुसते ही आपको फूलों की मधुर खुशबू आएगी जो किसी को भी मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी है। करंजी झील में आप बोटिंग के लिए जा सकते हैं। इस झील का निर्माण मैसूर के राजा द्वारा ही कराया गया। यहाँ पर भी कई प्रकार के पक्षियों की प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। शिवारा समुद्र फॉल्स भी मैसूर के नजदीकी है और ये पूरे एशिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। वहीं मैसूर के पास स्थित KRS डैम भारत का पहला इरिगेशन डैम है। इन सब के अलावा आप सैंड म्यूजियम, रेलवे म्यूजियम जैसी जगह भी घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर आप मैसूर में शॉपिंग करना चाहते हैं तो देवराजा मार्केट से अच्छी जगह पूरे शहर में आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पर लगभग 1000 दुकानें हैं जहाँ आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए काफी किफायती दामों में शानदार शॉपिंग कर सकते हैं। मैसूर जाने का सबसे अच्छा साधन है रेल मार्ग। इसके अलावा आप सड़क या हवाई मार्ग के जरिए भी मैसूर तक पहुँच सकते हैं। मैसूर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो शहर से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैसूर शहर घूमने के लिए 2 से 3 दिन का समय काफी है और यहाँ घूमने के लिए बहुत ज्यादा पैसे भी आपको खर्च करने नहीं पड़ेंगे। काफी सस्ते दामों में यहाँ पर
आपको होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ का स्ट्रीट फूड भी कमाल का है और कम पैसों में अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ सर्व की जाती है। 5,000 से 7,000 रुपए में आप पूरा मैसूर शहर आसानी से घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी देश की सबसे मॉडर्न शहर मैसूर। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। आप में से अगर कोई है मैसूर से तो हमें जरूर बताइए। वैसे क्या कभी आपने विजिट किया है मैसूर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।